नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंसिड एमडी टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, इंसिड एमडी टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और इंसिड एमडी टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि इंसिड एमडी टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। इंसिड एमडी एक ब्रांड नेम है। इंसिड एमडी टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन लिवोसिट्रिजिन 5 mg होता है। इंसिड एमडी टैबलेट एक एंटीहिस्टामिन ड्रग क्लास की दवा है। इंसिड एमडी टैबलेट का उपयोग सर्दी, जुखाम, नजला और एलर्जी के लक्षणों से राहत पाने के लिए किया जाता है। सर्दी, जुखाम, एलर्जी या नजला के लक्षण जैसे नाक से पानी बहना, आंखों से पानी आना, आंख, नाक या गले में खुजली होना, छींक आना और शरीर पर कहीं खुजली होने पर आदि लक्षणों से राहत पाने के लिए इंसिड एमडी टैबलेट का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा डॉक्टर त्वचा पर रैशेस होने पर और त्वचा पर खुजली होने पर भी इंसिड एमडी टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। डॉक्टर क्रोनिक अर्टिकेरिया होने पर यानी त्वचा पर पुरानी खुजली की समस्या होने पर भी इंसिड एमडी टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। मधुमक्खी या किसी अन्य कम जहरीले जानवर के काटने की वजह से हुई त्वचा पर रैशेस, सूजन और खुजली को ठीक करने के लिए भी डॉक्टर इंसिड एमडी टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में इंसिड एमडी टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ % व्यक्तियों में इंसिड एमडी टैबलेट की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे मुंह में सूखापन होना, सिरदर्द होना, शरीर में थकान व सुस्ती होना, नींद अधिक आना, नाक से खून आना, पेट में दर्द होना, चक्कर आना, कब्ज होना और उल्टी आने का मन होना आदि साइड इफेक्ट्स इंसिड एमडी टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि इंसिड एमडी टैबलेट को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। इंसिड एमडी टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। इंसिड एमडी टैबलेट एक माउथ डिसॉल्विंग टैबलेट है। इंसिड एमडी टैबलेट को मुंह में लेने के बाद इंसिड एमडी टैबलेट अपने आप मुंह में घुल जाती है, इसलिए इंसिड एमडी टैबलेट को बिना पानी पिए भी लिया जा सकता है। आमतौर पर डॉक्टर 6 साल से लेकर 11 साल तक के बच्चों को आधी टैबलेट यानी इंसिड एमडी 2.5 mg टैबलेट को दिन में एक ही बार और शाम के समय लेने की सलाह देते हैं, और 12 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को इंसिड एमडी 5 mg टैबलेट को दिन में एक ही बार और शाम के समय लेने की सलाह देते हैं। इंसिड एमडी टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको इंसिड एमडी टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम डिस्कस करेंगे कि इंसिड एमडी टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। किडनी फेलियर होने पर या किडनी की कोई गंभीर बीमारी होने पर इंसिड एमडी टैबलेट की डोज घटानी पड़ सकती है, इसलिए किडनी की बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों को इंसिड एमडी टैबलेट को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। इंसिड एमडी टैबलेट को दिन में लेने की वजह से नींद अधिक आ सकती है, इसलिए इंसिड एमडी टैबलेट को शाम के समय लेना रिकमेंडेड होता है। इंसिड एमडी टैबलेट के साथ आपको शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। वैसे ज्यादातर व्यक्तियों में इंसिड एमडी टैबलेट को लेने के बाद ज्यादा नींद नहीं आती है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति को इंसिड एमडी टैबलेट को लेने के बाद नींद अधिक आती है तो ऐसे व्यक्तियों को ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतर्कता की आवश्यकता होती है। वैसे इंसिड एमडी टैबलेट प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, इसलिए जरूरत पड़ने पर डॉक्टर प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को इंसिड एमडी टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका इंसिड एमडी टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।